हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो जो बताई थी मैंने आपको, उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बेसिक के बारे में बताया था, जिसमें हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, लेवोरेटरी, डेक्स्ट्रोरेटरी और जो भी कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की, उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, कब हम कहते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर बेसिकली दो एग्जाम्पल हैं, तो पहले हम इसको करेंगे। देखो, मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, अगर याद आ रहा हो तो देखो, ईएन क्या है, ईएन हमारा है इथेन 1,2-डाइअमीन। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। ईएन का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम क्या है, ट्रिस। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, इथेन 1,2-डाइअमीन। ठीक है, फिर कोबाल्ट, फिर 3 आयन, या अगर इसकी हम ये निकालना चाहें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स प्लस 0 इजकल्स टू प्लस 3, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद देखो, हम इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, CO, हमें पता है EN, जो इसको कैसे बनाते हैं हम, CH2, NH2, फिर यहाँ पर CH2 और NH2। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा किसी भी मेटल से, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, कौन से, नाइट्रोजन, है ना। और हमें किस में बनाना है, यहाँ पर ये बाइडेंटेट लीगेंड है एक, ठीक है, बाइडेंटेट लीगेंड है, तो यहाँ पर 3 × 6, तो यहाँ पर 6 नाइट्रोजन है, है ना। एक EN में 2 नाइट्रोजन होंगे, तो 3 EN में कितने हो जाएंगे, 6 नाइट्रोजन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर N, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N, ठीक है, डोनर एटम को हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब देखो हमें क्या करना है, हम ऑप्टिकली आइसोमरिज्म कर रहे हैं तो हमें इसकी मिरर इमेज बनानी होगी। अब देखो, हम इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इधर ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। अब देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, ये जब भी हम इसमें कर रहे हैं, जब ये बनाते हैं हम, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन, ये जो है, ये अटैच है, जो ये हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस मान लो, तो मतलब बात वही है, ये पूरी एक्स एक्सिस मानोगे, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो अटैच है, ये एक प्लेन में नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, मैंने बताया भी था कि ये एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये जो 4 नाइट्रोजन है, ये एक प्लेन में होते हैं, ये वाले, और ये वाला ऊपर होता है, एक ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर है, ये वाला बॉन्ड नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 प्लेन में होते हैं, बाकी ये वाला ऊपर होता है, ये वाला नीचे होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, इस वाले एक्स का जेड के साथ बन रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, ये जेड एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस है इस कॉर्नर पे, ठीक है, प्लेन के, और ऊपर जो है बॉन्ड, ऊपर जेड एक्सिस वाला, उसके साथ ऐसे बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस वाले का जेड के साथ बन रहा है, और यहाँ पर एक्स वाई के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एज्यूम कर लेना अपने माइंड में किस तरीके से यहाँ पर ये है, तो 3D स्ट्रक्चर है एक तरह से ये। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप, है ना। तो अगर हम इसको ऑप्टिकली आइसोमरिज्म अगर हम बनाना चाहें तो मिरर इमेज बनानी होगी। मिरर इमेज में हम सबसे पहले इस तरीके से हम दिखाएंगे कि हम मिरर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मिरर के सामने इसको रखोगे तो ये किस तरीके का आपको शो होगा मिरर में, इस तरीके से शो होगा मिरर में भी। ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर N, यहाँ N, यहाँ पर N, ये N। ठीक है, अब देखो ये जो N, ये इस तरीके से होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ये वाला जो होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, और ये वाला जो होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा मिरर में। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये सुपर इम्पोज इसके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको उठा करके डायरेक्ट इसको उसके ऊपर रख दूँ तो ये इसके ऊपर क्या एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके ऊपर, नहीं आएगा, है ना, सुपर इम्पोज नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर जैसे 5 है, 5 का मैं मिरर इमेज बनाना चाहूँ तो ऐसे बनेगा, तो 5 को उठा के इसके ऊपर मैं रखूँगा तो इस तरीके से होएगा ये, इस तरीके से ऐसे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ। सुपर इम्पोज किसको कहते हैं, जैसे कि 5 है, अगर मैं इसी की अगर मिरर इमेज अगर ऐसे बनती तो इसके ऊपर उठा, जैसे कि मान के चलो मैं 0 है, 0 की मिरर इमेज बनेगी ऐसे,
तो अगर मैं जीरो को उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो सेम इसी के ऊपर ही आएगा, तो ये सुपर इम्पोज हो गया। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इसको क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर इमेज तो बन रही है, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देखो तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बन रहा था लेकिन यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया। अब यहाँ पर बन रहा था लेकिन यहाँ पर खाली हो गया, यहाँ बन रहा था यहाँ पर खाली हो गया, है ना। तो मिरर इमेज में ये उल्टा हो गया, इसको अगर इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पर ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या है ये, क्या है, इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक और बात आती है, लेबो कौन सा है और डेक्स्ट्रो कौन सा है। लेबोरेटरी देखो, ये जब दोनों जैसे कि इस तरीके से जब ये लेफ्ट साइड आ रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको बोलेंगे लेबोरेटरी। ठीक है, लेबो सीधा सिंपल लेबो लिख सकते हो। और जब ये चीज़ राइट साइड में आ रही हो तो हम इसको बोलेंगे क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, लेबो एंड डेक्स्ट्रो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। सो इट इज़ ऑप्टिकली, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 3+ आयन था, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3+ आयन करके दिखा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये अंदर वाला ध्यान रखना है कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे, बीच में बना लेते हैं PT। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर एक EN में 2 नाइट्रोजन होते हैं, टोटल 2 हैं, तो टोटल 2×2=4 हो जाएंगे, 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 CL हो जाएंगे, तो 4 और 2 6, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर अगर आ जाएगा तो वहाँ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्लेनर होते हैं वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर 4 नाइट्रोजन आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक EN में 2 नाइट्रोजन होते हैं, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर हम कहीं भी लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं N N N। ठीक है, और एक CL यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक CL यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, और इसको इससे ज्वाइन करवा दो, मर्जी है। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, मिरर इमेज बनाते हैं इसकी। तो मिरर इमेज में क्या बनेगा, ये PT इस तरीके से, है ना। अब ये जो होगा ये इधर साइड दिखाई देगा मिरर में। ठीक है, और ये जो होगा मिरर में ऐसे दिखाई देगा, N और N इस तरीके से दिखाई देगा मिरर में। ये होगा जब मिरर में इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये मिरर है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, क्या ये इसको हमें उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। इसको पलट के नहीं रखना, सिंपल ऐसे उठा करके इसके ऊपर ऐसे रखना था। देखो क्लोरीन अभी इस साइड है, क्लोरीन अभी इस साइड है, लेकिन इसमें क्या है, क्लोरीन इस साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, क्योंकि सुपर इम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, मिरर इमेज तो बन रहा है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से और स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो ये क्या है, एक तरह का आपका क्या है, लेवो है, है ना। ये लेफ्ट साइड आ रहा है, देखो ये दोनों नाइट्रोजन, ये दो 4 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड आ रहे हैं, लेवो। ठीक है, और यहाँ पर ये एडजेसेंट में आ रहा है, तो हम इसको सिस भी बोल सकते हैं। ओके, जो क्लोरीन है देखो यहाँ पर एडजेसेंट में आ रहा है, एक साइड में आ रहा है, तो इसको सिस बोलेंगे। इसमें भी हम इसको सिस बोलेंगे, लेकिन ये कौन सा सिस होगा, ये डेक्स्ट्रो होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर एक और इस तरीके से हम एक और बना सकते हैं। देखो अगर मैं क्या करूँ, CL को क्या करूँ, इस साइड कर दूँ, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे आपको बताने होंगे कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जो इससे पिछली वाले में सिंपल बस 2 ही बन सकते थे, इसमें 2 और 2 4 बनेंगे टोटल। ठीक है, तो अगर डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, सिस और ट्रांस आते हैं ना, तो 2 तो यहाँ पर हो गए, 2 और करके दिखा देते हैं। अगर सिस आ रहा है तो वहाँ ट्रांस भी होएगा, कैसे, दोनों CL को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। ठीक है,
और एन को यहाँ कर दो सिंपल, ठीक है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो एन को, ठीक है, ठीक। अब ये तो ज्वाइन होएंगे नहीं, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, अब क्या करेंगे इसकी भी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ट्रांस है, ट्रांस, ठीक, ट्रांस है। और देखो इसकी मिरर इमेज जब बनेगी तो क्या होगा, पी टी, ठीक है, और साइड में प्लस टू लिख देना, ठीक है, ऐसे साइड में टू प्लस लिख देना, बनाने के बाद भूलना मत यहाँ पर भी, ठीक है। तो अभी मैं इसको बाद में लिखूँगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। मिरर में दिखेगा ये भी यहीं पे, यहीं से यहीं दिखेगा, मिरर में भी यहीं दिखेगा ये, ठीक है। ये चीज़ इधर साइड दिखाई देगी मिरर में, और ये चीज़ इस साइड दिखाई देगी मिरर में। तो अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूँ तो ये सेम एज इट इज़ इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, ठीक है। लेवो और डेक्स्ट्रोसिस में होते हैं, ध्यान रखना। और जब लेवो और डेक्स्ट्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं। ये क्या है, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर बोलते हैं इनको, ठीक है। जब मिरर इमेज बनती है ना, लेवो और डेक्स्ट्रो बनता है, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, इनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। और जो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब होते हैं, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं उनको हम डायस्ट्रियोमर बोलते हैं, डायस्ट्रियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनते हैं, जितने भी ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर क्या, डायस्ट्रियोमर, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, इनेंशियोमर है। लेवो डेक्स्ट्रो वाले क्या होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं, या सिस वाले भी। ट्रांस वाले नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें लेवो डेक्स्ट्रो नहीं बनता। लेवो डेक्स्ट्रो क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखो ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है, मिरर इमेज दिख रहा है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन इसमें सेम एज इट इज इसको उठा कर रखोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ट्रांस वाले में। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि सुपर इम्पोजिबल, इट हैज़ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। अब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई तो वो क्या हो जाएगी, फिर वो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है, लेकिन कौन सी, सुपर इम्पोजिबल वाली, एज इट इज इसके ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताता हूँ कि जो ट्रांस जितने भी होते हैं ना, जितने भी ट्रांस होते हैं वो सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सुपर इम्पोज हो जाती है वो। अभी और भी अगर एग्जाम्पल देखोगे ना ट्रांस वाले, तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जो सिस वाले होते हैं वही लेवो डेक्स्ट्रो शो करते हैं, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया, इसमें हमारे पास टोटल चार आइसोमर बने, दो ये वाले, दो ये वाले, ठीक है, दो सिस के और दो ट्रांस के, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं लेवो डेक्स्ट्रो वालों को, और यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे और भी एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट देखो, एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, पी टी एन एस थ्री सी एल बी आर एंड पिरीडीन, ठीक है, पिरीडाइन भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक दो तीन चार, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, तो यहाँ पर हम कौन सा बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर वाला बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, बीच में पीटी है, स्क्वायर प्लेनर का ऐसा होता है, इसकी ऑप्टिकल आइसोमर देखने हैं हमें, तो यहाँ पर एन एस थ्री लिख देते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बी आर और पी वाई, ठीक है। अगर मैं इसके क्या बनाना चाहूँ, मिरर इमेज बनाना चाहूँ, तो क्या बनेगा मिरर इमेज, कितने मिरर इमेज बनेंगी इसकी। अब देखो, इसकी अगर मिरर इमेज बनाओगे ना, तो यहाँ पर ये सी एल है, यहाँ पर ये बी आर है, और यहाँ पर ये एन एस थ्री है, और यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, पी वाई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसे देखो पी टी इस तरीके से, एन एस थ्री को अभी यहीं पर रखते हैं, ठीक है, पी वाई को भी यहीं पर रखते हैं, इन लोगों को इंटरचेंज कर देते हैं,
बी आर एन सी एल। अब ये डिफरेंट बने, ये दोनों डिफरेंट है, एक और बन सकता है अभी इस तरीके से। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, एन एस थ्री और यहाँ पर बी आर, यहाँ पर सी एल और यहाँ पर पी वाई। ठीक है, अब देखो एन एस थ्री के यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर पी वाई था। अब देखो एन एस थ्री के बाद यहाँ पी वाई तो है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो ये दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पर भी एन एस थ्री के इस साइड ब्रोमीन था, यहाँ पर एन एस थ्री के साइड में ब्रोमीन है, लेकिन एन एस थ्री के इधर साइड पी वाई था, लेकिन एन एस थ्री के इस साइड क्लोरीन है। ठीक है, तो ये भी अलग हो गए, तो तीनों अलग अलग है। तो अगर तीनों के अलग अलग मिरर इमेज बनाना चाहोगे तो ये कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, पी टी, पी टी मतलब प्लेटिनम, यहाँ एन एस थ्री इस साइड शो होगा, ये दोनों इस साइड शो होंगे, ये दोनों इस साइड शो होंगे। ठीक है, ये दोनों इस साइड शो होंगे, ये दोनों इधर साइड शो होंगे बी आर, और ये इस साइड शो होंगे, और ये इस साइड शो होंगे एन एस थ्री, ये पी वाई इस साइड शो होगा। ठीक है, अब देखो मेरी इमेज तो बना दी हमने इसकी, लेकिन क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? देखो ये इसको उठा कर इधर साइड रखोगे तो क्या इसके ऊपर एज इट इज आता, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो एन एस थ्री एन एस पी वाई यहाँ पर था, अब यहाँ पर क्या आ गया, बी आर और सी एल आ गया। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ना ये सुपर इम्पोज होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो इनमें से कोई सा भी सुपर इम्पोज नहीं होगा, पहली बात। इस पहली बात से भी एक बात ये है कि ये क्या है स्टूडेंट्स, एक स्क्वेयर प्लेनर है। ठीक है, तो हमें इसको बनाने से पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये क्या है, स्क्वेयर प्लेनर है। और हमें पता है कि स्क्वेयर प्लेनर में क्या आता है, इन स्क्वेयर प्लेनर देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैंने बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, देन कंपाउंड विल बी, कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो हमें मिरर इमेज, मैंने आपको बस आइडिया दिया है कि कैसे बनता है, लेकिन आप अगर नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, इनको ड्रॉ कर दो, इनको ड्रॉ करना पड़ेगा, या मिरर इमेज बना दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिरर इमेज बन जाएगी। लेकिन मिरर इमेज नहीं बनानी है हमें, मिरर इमेज के साथ साथ क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज चाहिए। अब देखो यहाँ पर मिरर इमेज भी बन रही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई जो कि रूल को तोड़ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पिछले जो हमने किया था एग्जाम्पल उनमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर हमने ऑक्टाहेड्रल लिया था। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर 3D स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि वो पूरा प्लेन होता है, लेकिन वो प्लेन नहीं था, वो ऑक्टाहेड्रल प्लेन नहीं था, प्लेन तो ऐसे था लेकिन वो ऊपर नीचे भी क्या था, प्लेन के ऊपर भी था, प्लेन के नीचे भी था। ठीक है, तो वो 3D स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 2D स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्लेन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये आ जाता है कि ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ रही है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो बाकी तो हम बात ही नहीं करेंगे इसकी कि सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसमें। ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर प्लेनर है ये। ठीक है, अब इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Cr Cl2 OX2। ठीक है, यहाँ पर Cl क्लोरीन क्लोराइडो है और यहाँ पर ये ऑक्सलेटो है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं कैसे होगा। देखो ऑक्सलेटो जो इस तरीके से होता है, ऑक्सलेटो पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आइटम कौन सा है, यहाँ पर O और यहाँ पर भी O, दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, तो टोटल 6 हो गए। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे देख लो, यहाँ पर हम पहले क्या लिख देते हैं, Cl और यहाँ पर Cl। आपको दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए किस तरीके से बन सकता है ये। तो ऑक्सीलेटो में हम क्या बना रहे हैं, बार O लिखेंगे, क्योंकि डोनर एटम O है। En आएगा तो डोनर एटम N लिखोगे। ठीक है, और O ऑक्सीलेटो में हम O लिखते हैं, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके को ध्यान रखना, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। Cl यहीं पर ही आएगा, यहाँ पर भी Cl इसमें दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, इसको बनाओगे तो सेम इसको ऐसे दिखाई देगा इसमें आपको, O एंड O। ठीक,
अब देखो यहाँ पर ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ट्रांस दिख रहा है, ये भी ट्रांस दिख रहा है, दिख रहा है ट्रांस। लेवो डेक्स्ट्रो तो दिख नहीं रहा क्योंकि दोनों भी इस साइड भी उतना ही है, इस साइड भी उतना ही है, तो लेवो और डेक्स्ट्रो नहीं बता सकते। लेवो डेक्स्ट्रो वही बता सकते हो जहाँ पर एन आएगा, ठीक है, ई एन वाले में, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, ट्रांस है, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो ऑक्सीजन है, इसमें भी लेवो डेक्स्ट्रो नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांस दिख रहा है हमें साफ साफ, और हमें पता है वैसे भी कि ट्रांस में क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों, देखो मैं पता चल जाएगा अभी कैसे। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सेम इसके ऊपर ये आ जाएगा, है ना, इधर भी दो है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन है इधर, तो सेम इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है, इट हैज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको मैं एक और तरीके से बना सकते हैं, इसको ट्रांस लिख लेना, ठीक है, ट्रांस लिख लेना इसको। तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। आपको दो ये वाले बनाने हैं, ट्रांस वाले, और दो बनाने हैं जो मैं अभी बनाऊँगा अभी, ठीक है। तो जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर उतने आपको बनाने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ट्रांस बन रहा है तो सिस भी बन सकता है ना, ये पता होना चाहिए। इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मिरर इमेज में बनाएंगे इसकी हम, ठीक। अब मिरर में ये इस साइड दिखाई देगा पहले, और ये दोनों ऐसे दिखाई देंगे मिरर में, और ये दोनों ऐसे दिखाई देंगे मिरर में, ठीक है। अब इसको बैठा के इसके ऊपर रखूँगा तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सीएल है तो इधर भी दो सीएल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ उल्टा ही हो गया। तो इसको उठा के एज इट इज़ रखूँगा इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर इमेज बन रही है, ठीक है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है, सो इट इज ऑप्टिकली, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। और ये क्या है, इसमें भी मिरर इमेज बन रही है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, लिख लेना, ठीक है, अभी मैंने लिख के बताया भी था। तो इसमें टोटल चार स्ट्रक्चर बनेंगे ये वाले, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बोलते हैं, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल कब होता है, ट्रांस और सिस कब होता है, लेवो डेक्स्ट्रो कब होता है। इसमें लेवो डेक्स्ट्रो नहीं था, इसमें होगा बताओ, जी हाँ होगा, देखो इधर चार ऑक्सीजन इस साइड है, मेजोरिटी इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, लेवो, लेफ्ट साइड मतलब लेवो। अब ये चार ऑक्सीजन इस साइड है, अगर चार नाइट्रोजन इस साइड होते या चार ऑक्सीजन इस साइड है, तो हम वहाँ कर बोलेंगे डेक्स्ट्रो। और ये दोनों क्या है, दोनों इनेंशियोमर है, ठीक है, इनेंशियोमर भी है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्टिकली आइसोमर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, समझना है इसको, और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।